हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मटर मशरूम की सब्जी, जिसे हम पार्टी और शादियों में खाते हैं, जिसे हम घर पर ही आज आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए मटर मशरूम की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मटर मशरूम बनाने के लिए मैंने लिए 1 कटोरी फ्रोजन मटर, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। मशरूम 8 से 9 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 4 प्याज, 4 टमाटर और खड़े मसालों में 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 4 लौंग। और सबसे पहले हम मशरूम को हल्के गुनगुने पानी में 5 से 10 मिनट तक भिगोकर रखेंगे, क्योंकि जो मशरूम है वो थोड़ी मैली होती है, इसलिए हम इसका छिलका उतारने के लिए इसे भिगोकर रखेंगे। लीजिए, मैंने इसमें गुनगुना पानी डाल दिया है। इसे भिगोने से जो इसका छिलका है वो अच्छे से उतर जाएगा। लीजिए, अब हमने जो प्याज लिए हैं उन्हें इस तरह से रफली कट करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे, रफली ही काटेंगे। देखिए इस तरह से, अब मैंने सारे प्याज को काट लिया है। देखिए, और अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। लीजिए, अब तेल गर्म हो चुका है और अब हमने उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और जीरे को भी हम अच्छे से तड़कने देंगे। और अब हम उसमें खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हिला लेंगे। और अब हम इसमें लहसुन और अदरक को भी मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। और अब हम इसमें हरी मिर्च और रफली कट किए हुए प्याज भी ऐड करेंगे और अब हम इन्हें अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए, लीजिए, अब प्याज पहले से थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इसे इस तरह से हिला लेंगे और हमने जो टमाटर लिए हैं उसे भी हम रफली ही कट करेंगे। लीजिए, अब मैंने टमाटरों को रफली कट कर लिया है और उन्हें भी कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और अब हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे, जिससे कि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, देखिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। लीजिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और हम इसे अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर उबलने के लिए ढककर रखेंगे, जिससे कि जो प्याज टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और हम इसे बीच बीच में से इस तरह से हिलाते रहेंगे और अब हम इसे फिर से ढककर पकाएंगे, जब तक हमारे प्याज टमाटर सॉफ्ट होंगे। तब तक हमने जो मशरूम को पानी में भिगो रखा था उसे इस तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए, अब जो इसका छिलका है वो अच्छे से उतर रहा है। आप छिलकों को उतारने के लिए चाहे तो चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी ये जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। क्योंकि मशरूम जो होती है वो मैली होती है, इसलिए हम इसे पकाने से पहले अच्छे से वॉश करेंगे और इसे अच्छे से साफ करेंगे। देखिए इस तरह से इसका जो छिलका है वो आसानी से उतर रहा है और इसी तरह से हम सारी मशरूम को अच्छे से साफ करेंगे। देखिए, जो मशरूम थी पहले कितनी गंदी लग रही थी और अब देखिए छिलका उतारने से जो मशरूम है वो एकदम से साफ हो गई है। देखिए, लीजिए, अब मैंने सारी मशरूम को साफ़ कर लिया है और देखिए इसके छिलके जो थे वो कितने गंदे थे।
और अब जो वो मशरूम है वो देखिए कितनी साफ लग रही है, देखिए। इसलिए हम इसे पहले 5 से 10 मिनट तक पानी में भिगोकर रखेंगे और फिर इसे अच्छे से साफ करेंगे। और अब हम इस तरह से मशरूम को कट करेंगे। आप चाहे तो एक मशरूम के 4 पीसेस भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से 6 पीसेस भी कट कर सकते हैं। लीजिए, अब हमने इसमें जो खड़े मसाले डाले थे उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि खड़े मसालों का जो फ्लेवर है इन्हें उबालने से वो पहले ही इसमें आ चुका है, इसलिए हम इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड नहीं करेंगे। लीजिए, मैंने सारे खड़े मसालों को निकाल दिया है। और अब जो हमारे प्याज टमाटर हैं वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। इन्हें हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही मिक्सी के जार में डालेंगे। देखिए, लीजिए, मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर दिया है। और अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। मैंने उसी कढ़ाई का ही यूज़ किया जिसमें मैंने प्याज टमाटर को सॉफ्ट किया था। और अब हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे। अगर आप बटर खाना पसंद नहीं करें तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए, अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम उसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से। लीजिए, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जिस जार में हमने ये पेस्ट तैयार किया उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी कढ़ाई में डालेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, और यहाँ हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक हम इसमें भी ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा ही नमक डालेंगे, क्योंकि हमने नमक पहले टमाटर और प्याज को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ किया था। लीजिए, मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। लीजिए, मैंने इसे ढक दिया है और हम इसे बीच बीच में से इस तरह से हिलाते रहेंगे जिससे कि जो ये मसाला है वो नीचे नहीं लगेगा। देखिए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार होगी, जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लीजिए, मैंने इन्हें अच्छे से एक बार हिला लिया है। देखिए, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज होना भी शुरू हो चुका है। देखिए, और अब हम इसमें जो हमने मटर लिए हैं उन्हें डाल देंगे और अब हम इसमें कटी हुई मशरूम भी ऐड करेंगे। लीजिए, मैंने इसमें मशरूम को भी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो ये ग्रेवी है वो मशरूम और मटर में अच्छे से कोट हो सके। लीजिए, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा गाढ़ा खाना पसंद करती हूँ तो मैंने इसमें पानी कम यूज़ किया है। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे और हम इसे इस तरह से बीच बीच में से हिलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से। और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे जिससे कि जो ये सब्जी है और भी टेस्टी बन जाएगी। लीजिए, मैंने इसमें मलाई ऐड कर दिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप भी इस तरह से मटर मशरूम की सब्जी घर पर बनाकर खाएंगे तो आप मार्केट की मशरूम की सब्जी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। लीजिए, अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। लीजिए, मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया और इन्हें अब अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार होगी, जिसे खाने में बहुत ही
मज़ा आ जाएगा। लीजिए, अब मैंने इसे ढक दिया है। देखिए जो सब्जी है उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार होगी। लीजिए, अब हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। और अब हम गैस को भी ऑफ करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लीजिए, अब हम इसे सर्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लीजिए, मैंने इन्हें सर्व कर दिया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी जो मटर मशरूम की सब्जी है वो कैसी बनी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।